हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदिल, कंसेप्ट क्लासेस जयपुर से, और ये है सेकंड एपिसोड एपी का, जिसमें हम फाइंड करना सीखेंगे एनथ टर्म। ठीक है, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनथ टर्म होती क्या है। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जो है एपी को कैसे पहचानते हैं, एपी है कि नहीं है, और एपी होती क्या है। पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया एग्जाम्पल के साथ में, आप वो एपिसोड ज़रूर देखें। और अब अपन स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग द एनथ टर्म। पहले तो ये देखो कि एनथ टर्म होती क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एपी लिखी, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, एक एपी है। तो ये जो टू वाली टू है, ये जो फोर है, इसे हम कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। ये भी टर्म है, इस सिक्स को भी अपन टर्म कहेंगे, और इस एट को भी हम टर्म कहेंगे। ऐसे सिमिलरली हम टेन को भी जो है टेन को भी क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे n जो फाइंडिंग कर रहे हैं अपन, n n टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म को हम कहेंगे n n टर्म। अब मान लो मैंने आपको कहा, जैसे ये 8 है, 8 कौन सी टर्म है, 1, 2, 3, 4, तो ये 8 जो है फोर्थ टर्म है। समझ आया? ये जो 8 है ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है। ठीक है, 6 कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। 4 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ फिफ्थ टर्म की वैल्यू बताओ, फिफ्थ टर्म की वैल्यू बताओ, तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। आगे समझ में? यहाँ एन एन टर्म का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। तो जैसे ये जो फिफ्थ आपने लिखा है कि फिफ्थ टर्म जो होगी, फिफ्थ टर्म वो क्या होगी, 10 होगी। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फिफ्थ टर्म क्या है, 10 है। तो ये एन एन टर्म है, एन एन टर्म मतलब एन का मतलब है यहाँ पे फिफ्थ। ठीक है, एन इक्वल टू कितना है यहाँ पे, फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म है 10। अब आपको क्या निकालना है, एन एन टर्म निकालना है, यानी आपको एक एपी दे देंगे और मैं कहूँ आपसे कि मुझे बताओ कि 20 टर्म कौन सी होगी। ठीक है, ये वन, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे करते करते 20 टर्म बताओ वो कौन सी होगी। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए अपने पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, पहले फार्मूला समझेंगे फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है फार्मूला। ये होता है फॉर्मूला, देख रहे हो आप, फॉर्मूला है ए एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ए क्या है, ए क्या है, ए है उस जोन से भी आपको टर्म निकालनी है ना। जैसे मान लो आपको 10 टर्म निकालनी है, तो जैसे यहां देखो 2, 4, 6, 8, 10, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, इसे मैं कहूंगा, ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, पहली टर्म है ये, अभी भी बताया मैंने आपको पहले कि ये जो होती है टर्म होती है, ये फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म। तो पहली टर्म है तो इसे मैं कहूंगा ए, समझ आ रहा है, इसे मैं कहूंगा ए, ए वन भी कह सकता हूं क्योंकि पहली टर्म है ए वन। ये जो सेकंड टर्म है इसे मैं कहूंगा ए टू, आधी बात समझे। ये जो थर्ड टर्म होगी इसे मैं कहूंगा ए थ्री। ठीक है, ये जो फोर्थ टर्म होगी इसे मैं कहूंगा ए फोर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, क्या कह रहा है ये, ए एन, तो आपसे मान लो ए 20 वाली टर्म पूछे, ए 20 वाली टर्म पूछे, तो एन की जगह आपको क्या रखना है, 20 रखना है। मैंने अभी अभी बताया कि एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की टर्म निकालनी है आपको, तो यहाँ पे आपको 20 नंबर की टर्म निकालनी है। तो ए 20 इक्वल्स टू, ये जो ए होता है ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म। समझाता हूँ मैं आपको, ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको कि ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये अगर ए पी होगा तो इनका डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, जैसे मान लो ठीक है, डिफरेंस जो होगा वो कॉमन होगा। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले पे बेस्ट पहले मैं बता देता हूँ ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म, जो भी एपी आपको गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म ये होगी। आ रही बात समझ में, क्या ये वाली,
ए, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन होगा जो भी आपसे टर्म पूछी जा रही है, नंबर ऑफ टर्म, जैसे आपसे 20 वाली टर्म पूछी जा रही है तो यहां एन की जगह 20 आ जाएगा। और डी होगा उनका डिफरेंस, अभी अभी आपको मैंने पिछले एपिसोड में भी डिफरेंस आपको सिखाया था, और अभी अभी मैंने आपको डिफरेंस ही बताया था कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। तो देखो एक एपी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2, 4, 6, 8 सोन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो एपी है इसमें आपको 21 वाली टर्म बतानी है, क्या बतानी है, 21 वाली टर्म बतानी है। 21 वाली टर्म बताने के लिए अपन को ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, ये रहा अपने पास सामने रखा हुआ है, ए एन इक्वल्स टू ए, ए क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, तो पहले आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि ए इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, 2 है, ए इक्वल्स टू 2 दिखाई दे रहा है, और साफ साफ लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन क्या है 21, आपसे कौन सी टर्म पूछ रहा है, 21 वाली टर्म पूछ रहा है, और 21 वाली टर्म पूछ रहा है इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 21 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 21 क्योंकि 21 वाली पूछ रहा है। और डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसे मैं A1 कह देता हूँ, इसे मैं A2 कह देता हूँ, इसे A3 कह देता हूँ, इसे A4 कहता हूँ, ऐसे करते करते आपसे A21 की वैल्यू पूछ रहा है, वो A21 क्या होगा, तो डिफरेंस होता है दोस्तों स्टूडेंट्स A2 माइनस A1। भाई आपने अभी पहले भी मैंने AP में बताया था, 4 में से 2 माइनस करो 2, 6 में से 4 माइनस किया 2, 8 में 6 माइनस किया 2, तो A2 माइनस A1 अगर आप करोगे तो वो डिफरेंस निकल के आएगा, तो डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितनी है 4 और A1 कितना है 2, तो आ जाएगा 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, आधी बात समझ में, D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आपसे A21 पूछा, तो A21 इक्वल्स टू फॉर्मूले में पुट करो, A की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, N की वैल्यू कितनी है प्लस, N की वैल्यू कितनी है 21 माइनस 1, और वो कितना है D कितना है इंटू 2, तो पहले ये 2 हो गया प्लस 21 में से 2, 21 में से 1 गया तो हो गया 20 और इंटू 2, तो ये हो गया 22 40, 2 + 40 इक्वल्स टू 42, तो इसकी जो 21 टर्म होगी वो क्या होगी 42 होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा समझाता हूँ देखो एक बार, कि ये आपके पास फॉर्मूला होता है जिसमें आपको गिवन होता है कि ए जो है फर्स्ट टर्म होती है, एन जो होती है नंबर ऑफ टर्म होती है, और डी जो होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाली एपी दी हुई है, मैंने एग्जांपल लिया है एक, ये वाली एपी का एग्जांपल लिया है मैंने, 2, 4, 6, 8 और एन सो ऑन चलता जा रहा है ना। 2 को अपन कहेंगे जो फर्स्ट टर्म होती है उसको A1 कहेंगे, सेकंड टर्म को A2 कहेंगे, थर्ड टर्म को A3 कहेंगे, फोर्थ टर्म को A4 कहेंगे, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब A की वैल्यू यहाँ पे, ये A मतलब क्या था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो मैंने A इक्वल्स टू ले लिया 2। सेकंड है N इक्वल्स टू, N किस क्या कि कौन सी टर्म पूछ रहा है आपसे, आपसे 21 वाली टर्म पूछ रहा है, तो 21 वाली टर्म पूछा तो N की वैल्यू यहाँ पे 21 हो गई और यहाँ भी 21 हो गई, आई बात समझ में। उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करोगे तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ऐसे A3 में से A2 माइनस करोगे तो भी डिफरेंस निकल के आ जाएगा, A4 में से A3 माइनस करोगे तो भी डिफरेंस निकल के आ जाएगा, मैंने आपको सिखाया ये पिछले एपिसोड के अंदर। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, आगे बात समझे, तो D कितना आ गया 2 आ गया, पुट कर दो इस फॉर्मूले में, ये 2 आ गया फर्स्ट टर्म, ये आ गया आपके पास N-1 और ये आ गया आपके पास डिफरेंस, सॉल्व किया आंसर आ गया 42, तो 42 ही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसको पहले कॉपी कर लो, फिर आपको और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ इजी एग्जांपल से, ताकि आपको समझ में आए, उसके बाद अपन करेंगे NCERT के एग्जांपल, इसको कॉपी कर लो आप पहले। चलो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ CBSE का, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 10th टर्म, आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है आपको इस एपी की, ठीक है, इस एपी की 10th टर्म निकालनी है, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे करते करते आपको A10 निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अभी भी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला था AN इक्वल्स टू A
प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपके पास फॉर्मूला था। ठीक है, ए थी आपके पास फर्स्ट टर्म, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है, एन आपसे पूछ रहा है ये रहा एन की वैल्यू दे रखी है आपसे, जो भी जोन से भी टर्म पूछ रहा है वही एन की वैल्यू होगी, टेन टर्म पूछ रहा है तो एन की वैल्यू टेन होगी, ट्वेंटी टर्म पूछ रहा है तो एन की वैल्यू ट्वेंटी होगी, थर्टी टर्म पूछ रहा है तो एन की वैल्यू थर्टी होगी, और डिफरेंस डिफरेंस निकालो एपी के अंदर। ठीक है, और ये होता है डिफरेंस। ठीक है, तो पहले मैं वैल्यूज निकाल लेता हूँ, तो ये हो गया आपके पास ए इक्वल टू आ गया आपके पास टू, ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है एपी के अंदर टू आ रही है तो टू ले लो फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद एन की वैल्यू कौन सी पूछ रहा है, टेन टर्म पूछ रहा है तो एन की वैल्यू टेन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद डी की वैल्यू, डी निकाल के देखो, ये ए वन होता है ये ए टू होता है, पिछले एपिसोड में बताया मैंने और अभी भी बताया एग्जाम्पल में, ये ए वन है ये ए टू है, डिफरेंस निकालने क्या करोगे ए टू में से ए वन माइनस करोगे, तो ए टू में से ए वन माइनस कर दिया, तो ए टू में से ए वन माइनस किया सेवन माइनस टू कितना आ गया बताओ फाइव आ गया, तो डिफरेंस कितना आ गया फाइव आ गया। आगे बात समझ में, ये आपने वैल्यूज निकाल ली, अब फॉर्मूले पुट कर दो, ए टेन निकालना है इक्वल्स टू, ए टेन इक्वल्स टू क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी टू प्लस ये कितना है एन माइनस वन, एन कितना है ये निकाला अभी अभी आपने एन टेन मतलब गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो एन आ गया टेन माइनस वन और डिफरेंस अभी अभी निकाला है आपने फाइव, तो ये आ गया इंटू फाइव। ठीक है, टू प्लस टेन माइनस वन कितना होता है नाइन इंटू फाइव, तो टू प्लस नाइन फाइव सा फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव प्लस टू फोर्टी सेवन। ठीक है, तो ये ए टेन की वैल्यू आ गई आपके पास 47, बस सिंपल था, कुछ भी नहीं था, ये फार्मूला आपको याद रखना है बस, फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो कुछ है ही नहीं, तो फार्मूला याद कर लो आप, और यहाँ पे ये पता होना चाहिए ए का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आ गई, एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है वो रख दो यहाँ पुट कर दो, डिफरेंस आपको निकालना है ये ए वन है ये ए टू है, ए टू माइनस ए वन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, फार्मूला पुट कर दो 47 आंसर आ गया, यानी इसके अगर आप ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन ए टेन ए 10 वाली वैल्यू 47 ही आएगी, ये इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। ओके स्टूडेंट, ये है दूसरा एग्जांपल जिसमें अपन फाइंड करेंगे फाइंडिंग द एनएन टर्म, एनएन टर्म निकालनी कौन सी टर्म निकालनी, क्वेश्चन है फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी आपको गिवन है इसमें आपको 30 टर्म निकालनी, बहुत इजी है। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए क्या होता है आपके पास, ए होती है फर्स्ट टर्म, अब इस एपी में देखो फर्स्ट टर्म कौन सी है 10 वाली, तो ए की वैल्यू हो गई 10, एन एन क्या होता है जो टर्म आपसे पूछी गई है, कौन सी टर्म पूछ रहे हैं आपसे 30 टर्म पूछ रहे हैं, तो एन की वैल्यू हो गई 30। ठीक है, उसके बाद है डी, डी होता है डिफरेंस, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको अपन ए वन कहते हैं फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को अपन कहते हैं ए टू, और डिफरेंस होता है ए टू माइनस ए वन, तो ए टू कितना है 7 माइनस ए वन कितना है 10, तो डिफरेंस कितने का आ गया माइनस थ्री का। ठीक है, ये प्लस माइनस का खास तौर से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है आप लोग ऐसे करते हो 10 और 7 में कितने का डिफरेंस 3 का डिफरेंस, डी पे लिखे आते हो 3, वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा वो। ठीक है, जो आंसर आएगा वो गलत आएगा आपका, क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है वो है माइनस थ्री का, और माइनस थ्री और प्लस थ्री दोनों में डिफरेंस बहुत होता है, आपको पता है ये बात। ठीक है, तो माइनस थ्री का डिफरेंस आ रहा है, वैल्यू पुट करो इसके अंदर, देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए थर्टी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ए थर्टी इक्वल्स टू ए, ए कितना है यहाँ पे 10, 10 लिख दिया आप। ठीक है, प्लस एन कितना है, एन आपके पास आया 30 माइनस वन और इंटू माइनस थ्री, देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ए थर्टी इक्वल्स टू ए टेन प्लस 30 माइनस वन इंटू माइनस थ्री। ठीक है, देखो 10, 30 माइनस वन कितना हो गया 29, 29 इंटू माइनस थ्री। ठीक है, 10 प्लस मल्टीप्लाई करो 9 थ्री सा 27,
और 3 टू द 6 और 2 8 माइनस का 87 आएगा, तो ये हो गया 10 माइनस 87, आ गया आपके पास एक प्लस की डिजिट एक माइनस की डिजिट, तो होगा माइनस, माइनस होगा तो 87 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 77, और साइन कौन किसका आएगा जो बड़ी वैल्यू होती है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी 87 बड़ी है, तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो ये हो गया 77। तो माइनस 77 इस अगर टर्म को आप चलाते जाओगे तो जो 30 वाली जो 30 वाली जो टर्म आएगी वो आएगी माइनस 77, बस सिंपल है। ठीक है, जो दो नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट वाले जो एक नंबर क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछा जाता है कई बार कि एपी है या नहीं है, और जो दो नंबर का जो एक क्वेश्चन आता है सॉरी एक नंबर का हाँ दो नंबर का जो एक क्वेश्चन आता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब अपन आगे और भी करेंगे जिसमें एक क्वेश्चन अभी आपका और बचा है जो चार नंबर का आएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसके प्रैक्टिस करो पहले। ठीक है, इसमें और क्वेश्चंस भी है और क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन एंड में जब पूरे अपनी एपी पढ़ लेंगे उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि कभी भी ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे आप चैनल्स देखते होंगे जिसमें लिखा रहता है कि बस आप ये पढ़ लो इससे आप पास हो जाओगे, आप सिर्फ ये चार क्वेश्चन ये आठ क्वेश्चन कर लो आप पास हो जाओगे। स्टूडेंट्स ऐसे कभी भी किसी भी वीडियो के बातों में मत आना क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। मैंने देखा है अक्सर वीडियोस पे ये लिखा रहता है खाली ये पेपर सॉल्व कर लो तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है उसको उसका दिमाग हम नहीं रीड कर सकते। ठीक है, वो क्या पढ़ क्या क्या क्वेश्चन देगा वो क्या वो करेगा ये हम नहीं बता सकते जो भी जिसने भी पेपर बनाया है। ठीक है, तो आपको हमेशा मैथ्स को कभी भी रटा नहीं जा सकता, हमेशा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि कंसेप्ट क्या है उसका। अगर आपको यहाँ पे पहले जो मैंने आपको पहले आपको मैंने बताया एपी है या नहीं है, तो अगर आप वो एपी के सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एपी है या नहीं है। फिर उसके बाद अब मैंने बताया फाइंडिंग द एंड टर्म, तो एंड टर्म के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, जो नहीं आ रहा मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो वीडियोस है अगर आपको पसंद आ रही है तो उसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। आई होप आपको बहुत से समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जल्द से जल्द आप मुझे कमेंट करो तो मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा इसका। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।